YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड प्राथमिक विद्यालय रसुईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की पलामू कमेटी द्वारा नगर भवन में आयोजित प्रथम जिला स्तरीय सम्मेलन के द्वारा जन विरोधी नीतियों को लेकर राज्य सरकार से दो दो हाथ करने का आह्वान रसोईया व संयोजिकाओं से किया गया। मौके पर जिला स्तर, प्रखंड स्तर एवं संकुल स्तर तक रसोईया संयोजिकाओं को हटाने की कार्रवाई पर फौरन रोक लगाने सहित MDM स्कीम को निजी हाथों में सौंपने व बंद डिब्बा में भोजन आपूर्ति कार्यक्रम पर रोक लगाने संबंधी राज्य सरकार के निर्णयों पर गहन रूप से मंथन किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि 2003-04 से कार्यरत कर्मियों को हटाने संबंधी राज्य सरकार की मंशा झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ कभी पूरी नहीं होने देगी। कहा कि रसोईया संयोजिकाओं के नियुक्ति पत्र व 5 लाख का बीमा लाभ देने सहित साफ सुथरी मांग पूरा कराने के लिए संघ आंदोलन की धार को अब और तेज करेगा। मौके पर सचिव अनिता देवी ने भी लोगों को संबोधित किया और साफ सुथरी मांगे पूरी कराने के लिए एकजुटता के साथ संघर्ष करने पर बल दिया। पलामू जिला स्तरीय सम्मेलन है और इस जिला सम्मेलन में मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों को मैं ये कहने ले आया हूँ कि जो सरकार का जो नीति है, गरीब विरोधी नीति, और ख़ास करके जो रसोईया संयोजिका जो 2004 से 3 से काम कर रही है उसको बाहर निकाल करके अपमान कर रही है सरकार, इज्जत कर रही, सड़क पर उतार रही है, इसके खिलाफ हमारी जंग होगा, लड़ाई होगा और ये सम्मेलन इस पर कारगर हस्तक्षेप करते हुए इन निकाल बाहर करने के खिलाफ जंग में आगे उतरेगी। और ये जो सरकार कह रही है कि हम नारी को सम्मान देंगे, लेकिन ये सरकार का जो नीति हमें लग रहा है कि महिलाओं को जो सम्मानपूर्वक काम कर रहे थे उसको हटा करके बेइज्जत करने का काम कर रही है। ये सम्मेलन, हमें लगता है कि ये सम्मेलन राज्य सरकार के नीतियों के खिलाफ खड़ा होगी और अपने मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। हमारी मांग है आज यह सम्मेलन के माध्यम से कि ये जो रसोईया संयोजिका 2004 से जो काम कर रही है उसका 60 साल तक काम करने का अधिकार सरकार दे, नियुक्ति पत्र इसको जारी करे। हमारा मांग है कि इन लोगों को 18,000 रुपया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो 18,000 रुपया मिनिमम वेतन 12 महीना मिलना चाहिए। हमारा मांग है 5 लाख का बीमा इसको लागू होना चाहिए, समुचित इलाज का व्यवस्था होना चाहिए और पहचान पत्र मिलना चाहिए एवं साल में 2 वस्त्र मिलना चाहिए। ये मांग को हम मजबूती से उठा सकेंगे, विधानसभा जब बजट सत्र होगा उस समय हम मजबूती के साथ जा सकेंगे।